बार फिर से आप लोग के मेरा चैनल पर स्वागत है। आज एक नया रेसिपी लेके आए हैं। आज जा रहे हैं शकरपारा बनाने। ये 200 ग्राम मैदा लेके हम सान लिए हैं। ये 200 ग्राम मैदा लिए हैं, इसमें 2 चम्मच घी डाल दिए हैं, गर्म पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सान दिए हैं। अब इसे हम चलिए बेलते हैं और बनाते हैं। बिल्कुल नया बनाएंगे डिजाइन से। आप लोग शकरपारा खाए होंगे मगर इस तरह से नहीं खाए होंगे। ये बिल्कुल नया है, नया स्टाइल का शकरपारा करके आप लोग को बताते हैं बना के। इस तरह हम बेल के इसे बनाएंगे शकरपारा। थोड़ा लंबा करके बेलेंगे, गोल नहीं बेलेंगे और मोटा भी नहीं बेलेंगे, एकदम पतला बेलेंगे। ये पतले बनता है इसलिए। देखिए अब हम इसको बेल लिए इस तरह। इधर से थोड़ा काट के इसको निकाल देते हैं, इधर से भी काट देते हैं। देखिए इस तरह काट दिए। इसको इस तरह से चाकू से थोड़ा सा बीच बीच में काट लेते हैं। इसी तरह पूरा में काट लेंगे, नीचे तक नहीं काटेंगे, पूरा नहीं काटेंगे, बीच में थोड़ा थोड़ा लगल छोड़ देंगे। इस तरह सारा को ऐसे ऐसे काट लेते हैं। इस तरह यहाँ पर पानी लगा देते हैं थोड़ा हल्का हल्का, और इसे इस तरह उठा के इसको साथ इस तरह चिपका लेंगे। फिर यहाँ थोड़ा पानी लगा के थोड़ा इसको ऐसे ऐसे मोड़ लेते हैं, थोड़ा मोड़ने में आराम से। फिर यहाँ इस तरह इसको ऐसे चिपका दिए। देखिए इस तरह चिपका दिए हैं अभी। इस तरह से इसको ऐसे करके थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा पत्ता की तरह बना देते हैं, नीचे इस तरह बना देंगे और ऊपर इस तरह इसको ऐसे मोड़ देते हैं। देखिए इस तरह को हम बना दिए। देखिए हम अभी तैयार कर दिए हैं नया डिजाइन से शकरपारा। अब हम चूल्हा सुलगा रहे हैं कढ़ाई गरम करके। अब इसको तल लेते हैं। देखिए एक कढ़ाई गरम कर चढ़ा दिए हैं। अभी कढ़ाई 2 मिनट में गरम हो जाएगा तो इसमें रिफाइंड डाल के इसे तल लेंगे। देखिए अब कढ़ाई गरम हो गया है, हम 100 ग्राम ला रिफाइंड इसमें डाल देते हैं, फिर इसी में हम तल लेंगे। देखिए अब 2 मिनट हो गया, मेरा कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसे डाल रहे हैं। देखिए डालते किस तरह फूलने लगा, इस तरह सबको डाल के पका लेते हैं। देखिए अब इसे 2 मिनट रहने देंगे तब इसे उलटेंगे। देखिए अब हम इसे पलट रहे हैं, 2 मिनट हो गया है। देखिए इस तरह लाल हो गया है एक साइड। अभी इधर भी हम इसे उलट कर लाल कर लेते हैं। दोनों साइड से हम इसे पका लेते हैं। अब 2 मिनट इधर भी पकेगा। इस तरह इसको पका के फिर निकाल लेंगे तो फिर चाशनी में डुबा के इसे निकालेंगे।
देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम इसे देखिए बिल्कुल लाल हो गया है। अब इसे हम निकाल रहे हैं, देखिए इस तरह देखिए अभी इसको हम निकाल रहे हैं। अभी तैयार हो गया है, देखिए इस तरह से ज्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है। तो देखिए हम इसे फिर डाल के दिखाते हैं इस तरह। ये देखिए एक तार ये छूट रहा है, इसी तरह चाशनी इसको तैयार कर लेना। अब इसमें हम इसको डाल के निकाल देते हैं, इस तरह इसको डाल देना है। देखिए ये डला गया, इसको इस तरह निकाल देते हैं। ये मेरा शकरपाला तैयार हो गया बिल्कुल नया डिजाइन से। ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल दें। ये देखिए ये मेरा शकरपाला तैयार हो गया। अब आपको लग रहा है बिल्कुल आप लोग को अब जरूर पसंद आ रहा होगा। एक बार मेरा चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।